मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर भी मिल रही है। सरकारी अफसरों से ये जुड़ी खबर है। सरकारी कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम जारी रह सकता है। सरकारी दफ्तरों में सरकार भीड़ नहीं चाहती है। हो सकता है लॉकडाउन 4 में वर्क फ्रॉम होम सरकारी कर्मचारियों का जारी रहे, और ऐसे में सरकारी कर्मचारियों का जब वर्क फ्रॉम होम जारी रहेगा तो ये भी मुमकिन है कि प्राइवेट ऑफिस भी, अभी आईटी सेक्टर खासतौर पर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो भी वर्क फ्रॉम होम ही करें। फिलहाल बड़ी खबर यह है, सरकारी दफ्तरों में सरकार भीड़ नहीं चाहती है। हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम ही सरकारी कर्मचारियों का जारी रहे। और शुभम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, सरकारी कर्मचारी अगर वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी वर्क फ्रॉम होम करेंगी। खासतौर पर आईटी सेक्टर के सभी लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। बिल्कुल गुंजन, क्योंकि अगर जिन्हें इंटरनेट पर काम करना है, जिन्हें इंटरनेट पर ही जवाब देना है मेल के ज़रिए, तो उनको लिए तो ये बेहतर ऑप्शन है कि वो वर्क फ्रॉम होम ही अपने घर से कर रहे हैं, अपनी पूरी 9-10 घंटे की वो शिफ्ट भी वहाँ से कर रहे हैं। लिहाजा सरकार यही बात चाह रही है कि अगर हम लॉकडाउन में कुछ रियायतें दें भी, उन सब के बावजूद भी जो लोग, जो अधिकारी कर्मचारी अपने घर से ही काम कर सकते हैं, लिहाजा उन्हें मंत्रालय ना बुलाया जाए, उन्हें दूसरे सरकारी दफ्तरों में ना बुलाया जाए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान किया रखा जा सके। क्योंकि अगर सरकार की ओर से ही इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई कि भीड़ दफ्तरों में लगी, तो फिर आप दूसरे लोगों को क्या कुछ कह पाएंगे? क्योंकि सरकार ही जब अपने अधिकारी कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं कर रही, तो प्राइवेट फिर इसको लेकर क्या कुछ कर सकते हैं? लिहाजा लॉकडाउन जो 4 है उसमें इसी तरह की चीज़ें जो है वो सामने आने वाली है कि लॉकडाउन अगर खुलेगा भी, काम शुरू भी होगा, जिस तरह से मंत्रालय में देख रहे हैं कि 30% अभी कर्मचारी अधिकारी वहां पर आते हैं, कई जगह ऐसी हैं जो मजदूर जहां पर काम कर रहे हैं वहां शिफ्ट के मुताबिक काम किया जा रहा है, 12 घंटे की शिफ्ट कर दी है, एक सप्ताह में 72 घंटे काम करना है, तो इस तरह की चीज़ें लगातार चल रही है। और दूसरा, जो ट्विटर ने जिस तरह का फैसला लिया कि अपने जो जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो लाइफ टाइम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, तो इस फैसले के बाद धीरे धीरे अगर हम पूरे विश्व की बात करें, जहाँ पर खासतौर पर आईटी सेक्टर्स की, जहाँ इंटरनेट के जरिए काम होता है, तो वो सेक्टर ज़्यादा आप विचार कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम ही आने वाले कुछ महीनों तक जारी रखा जाए। ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका।